क्या वे अमिताभ बच्चन जैसा स्टाइल मार रहा है? हड्डी पसली एक करके रख दूंगा। ये क्या, अब ये कौन सा पोज दे रहा है? चल भाग। साला बच गया ना। नकली पासपोर्ट के साथ पकड़ी जाने वाली आयशा अलवाहद उर्फ आशा को आज अदालत में पेश किया जाएगा। आयशा अपनी प्रेमी के साथ इस देश में रह पाएगी या नहीं, इसका मुकदमा आज शुरू होगा। योर ऑनर, कटघरे में खड़ी मुलजिमा आयशा अलवाहद एक धोखेबाज लड़की है, ये तहकीकात के दौरान साबित हो गया है, और ये है इस बात का सबूत। इस पर गौर फरमाइए। मुलजिमा हमारे देश को धोखा देना चाहती थी। इनसे हमारे देश को किसी भी पल किसी भी घड़ी खतरा हो सकता है। इन्हें यहाँ पनाह देना बहुत बड़ी भूल होगी, इसलिए जल्द से जल्द इन्हें इनके मुल्क वापस भेज दिया जाए, यही मेरी अदालत से दरख्वास्त है योर ऑनर। हमारे काबिल सरकारी वकील बार बार ये कह रहे हैं कि इस भोली भाली लड़की आशा से हमारे देश को खतरा है, लेकिन एक बार भी ये नहीं कह रहे हैं कि कैसा खतरा है। अगर प्यार करने से किसी देश को खतरा हो सकता है, तो इससे ज्यादा बेबुनियादी बहस और कुछ नहीं हो सकती। विदेश से यहाँ गलत तरीके से आई हुई लड़की के लिए आप केस लड़ रही हैं, मैं इस बात से हैरान हूँ। अगर हमारे देश से कोई लड़की वहाँ जाती तो क्या वो लोग उसकी शादी करा देते? आपने बिल्कुल सही फरमाया, अगर हमारे देश की कोई लड़की वहाँ जाकर प्यार करती तो उसे यकीनन मार दिया गया होता। ये जानने के बावजूद आप उसे बचाना चाहती हैं? यही तो हमारे देश की सभ्यता है। जो भी हमारे देश में शरण के लिए आते हैं, उनकी रक्षा करना ही हमारी संस्कृति है, परंपरा है। भरोसा करके यहाँ आने वालों का हमने स्वागत किया है। दुनिया में इंसान और इंसानियत को महत्व देने वाला एक ही देश है भारत। ये मासूम लड़की इस मिट्टी पर भरोसा करके यहाँ आई है, इसको जिंदगी देने में हम सबको फक्र महसूस होना चाहिए योर ऑनर। प्यार का बहाना करके कल कोई आतंकवादी भी हमारे देश आ सकता है, उन सबका हम स्वागत करते रहेंगे। बाहर से हमारे देश में आने वालों में आतंकवादी कौन है, प्यार करने वाला कौन है, इतना भी हमारा इंटेलिजेंस पता नहीं लगा सकता? क्या यही आपके कहने का मतलब है? प्यार करने वालों को जीने दीजिए, यही मेरी विनती है। इसके लिए हमारा कानून इजाजत नहीं देता। तो कानून को बदल डालिए। एक नेक काम के लिए कानून को बदलने में कोई बुराई नहीं। जब पूरा देश आतंकवाद से परेशान है, ऐसे मौके पर इस तरह के लोगों को पनाह देना आतंकवाद को बढ़ावा देने के बराबर है योर ऑनर। माफ कीजिए, मेरे ख्याल से हमारे काबिल सरकारी वकील आतंकवाद की परिभाषा नहीं जानते। वकील भी एक तरह का आतंकवादी ही है। गलत काम करने वालों को बचाने वाला वकील भी कानून की नजर में गुनहगार है। ये दोनों प्यार करने वाले, इसमें कोई शक नहीं। इसका सारा सबूत अदालत के सामने रख दिया गया है, इसके बावजूद आप इसे बाहर भेजने की जिद कर रहे हैं। बाहर से आपको कोई पैसा वैसा मिला है, ऐसी मेरे मन में शुबह है। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, लगता है जरा छूट दे देते वकील साहिबा मुझे भी आतंकवादी ठहरा देगी। मोहब्बत ही खुदा है, कानून को इंसान ने बनाया है, लेकिन प्यार ऊपर वाले की देन है। इंसान चाहे तो कानून को बदल सकता है, लेकिन योर ऑनर सिर्फ प्यार से ही इंसान को बदला जा सकता है। हम ईश्वर पर विश्वास करते हैं, इन प्यार करने वालों को एक करके अपने देश में इन्हें पनाह दे दीजिए, यही इस अदालत से मेरी दरख्वास्त है। दोनों तरफ की बहस सुनने के बाद ये बात साफ जाहिर होती है कि मुलजिमा आयशा अलवाहद नकली पासपोर्ट दिखाकर हमारे देश को धोखा देना चाहती थी। इन पर अगर रहम किया जाए तो यह मुमकिन है कि कल हमारे देश के दुश्मन भी उसका नाजायज फायदा उठाएंगे। लिहाजा आयशा अलवाहद को फौरन उनके मुल्क भेजने का यह अदालत हुक्म देती है। की आंखें बंद हैं और ना ही जज्बात उसके लिए मायने रखते हैं, इसके लिए जमीर की जरूरत है। आज पता चला कि कानून अंधा है। जब तक कि मासूम प्यार करने वाले एक नहीं हो जाते, हम इस अंधी दुनिया को नहीं देखेंगे। सर, आयशा को सपोर्ट करने वाली वो तीनों लड़कियां अदालत के सामने भूख हड़ताल कर रही हैं। क्या बात है लड़कियों,
आंखों में पट्टी बांध के अपने आप को इंसाफ की देवी समझ रही हो? हैं? शराफत से यहाँ से चली जाओ, नहीं तो लाठी चार्ज करके हवालात में बंद करूंगा। हवालात नहीं ना, हमें भी बंद कर दो। चलो देश की समस्याओं को छोड़कर एक विदेशी लड़की के लिए आप ये लड़ाई क्यों लड़ रही हैं? ये लड़ाई दो देशों के बीच नहीं, दो दिलों को एक करने के लिए है। प्यार के लिए इतनी इम्पोर्टेंस क्यों? दुनिया भर में मोहब्बत की मिसाल समझा जाने वाला ताजमहल हमारे देश में है, और जब हमारे ही देश में उस मोहब्बत की कोई कदर नहीं तो वो मिसाल किस लिए? मिटाइए उसे। अगर आप इस लड़ाई में नहीं जीती तो? क्यों नहीं जीतेंगे? प्यार करने वाले मर सकते हैं लेकिन प्यार नहीं। अगर मीडिया हमारा साथ दे तो हम हर जंग जीत सकते हैं। हम दुनिया को ये साबित करके रहेंगे कि सच्चा प्यार कभी नहीं मिट सकता। एक मुसलमान लड़की को जिंदा रखने के लिए तीन हिंदू लड़कियां लड़ रही हैं, ये कितनी खुशी की बात है। क्या भविष्य में कोई आतंकवादी इसका फायदा नहीं उठा सकता? क्या यहाँ अभी कोई आतंकवादी नहीं है? उग्रवादी इस तरह नहीं आया करते, वो तो बम और बारूद के साथ आया करते हैं। पहले जाके उन्हें पकड़ो और इन मासूमों को जीने दो। लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, किसी भी देश के हों, क्या फर्क पड़ता है? गए संबंधी के भी साथ छोड़ने वाले जमाने में विदेश से आए अपनी सहेली के लिए लड़ रही हैं वो तीनों लड़कियां। मेरा, आपका, हम सभी का फर्ज बनता है कि उनका साथ दें। सब लोग गौर से सुनिए, अदालत के सामने इस तरह धरना देना कानूनन जुर्म है। आप लोग यहां से नहीं गए तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्यार के दुश्मन पुलिस वाले, सब लोग चले जाइए। प्यार के दुश्मन पुलिस वाले, पुलिस वाले। नहीं सर, हमने बहुत कोशिश की, पूरी पब्लिक उन लड़कियों का साथ दे रही है, हालात और भी बिगड़ते जा रहे हैं। पता नहीं देश का क्या होगा, पहले महंगाई और गरीबी के लिए लड़ा करते थे, अब प्यार प्यार कह के लड़ रहे हैं। आपसे पैसे लेने वाले पुलिस वाले भी खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं। उस लड़की को जिंदा वापस भेजना बहुत मुश्किल लग रहा है सर। उनकी जो मर्जी में आए करने दो, आखिरी फैसला तो मैं ही करूंगा। रंभा राधा रानी ने विदेश से आई अपनी सहेली को इंसाफ दिलाने के लिए जो धरना शुरू किया है उसमें अब जनता पूरी तरह उनका साथ दे रही है। इसलिए